गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जैन, पीआरटी मैथ्स टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ। वेलकम टू सेंट जोसेफ यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आई होप यू कंप्लीटेड योर वर्क। यस और नॉट? यस। सो सेंड मी योर वर्क कंटिन्यूअसली। ओके बेटा? यस, वेरी गुड। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके बेटा? यस। ऑन माई व्हाट्सएप नंबर आई एक्सप्लेन यू। ओके, सो आई होप यू कंप्लीटेड योर वर्क टिल क्वेश्चन नंबर 4। सो टूडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 and 6। इट इज वेरी इजी, बट क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी बट थोड़ा सा टफ है ना? टफ नहीं बोलते, अच्छा है, ठीक है। सो वेर इज क्वेश्चन नंबर 5? कैन यू सी माई कर्सर? यस। सो वॉट इज द नेक्स्ट लाइन? टेक आउट योर बुक्स। यस, वेरी गुड, टेक आउट। यस यस, वेरी गुड। पेज नंबर 28? यस, वेरी गुड, 28। सो नाउ वर्क आउट द फॉलोइंग। आपको वर्क करना है, ठीक है, इन फॉलोइंग क्वेश्चन से। तो क्या लिख रहा है? द डिफरेंस ऑफ द प्लस वैल्यू 2 8s। सो आपको क्या बोला है बेटा? एक ये है, ठीक है। तो क्या है, इसको रीड करो। 1s, 10s, 100s, 1000, ये लिख लिया। 3688, ठीक है। इसमें आपको प्लस वैल्यू निकालनी है किसकी? 8 की। अब 8 कितने टाइम है इसमें? 1 and 2 time। अंडरस्टूड और नॉट? यस ना। सो प्लस वैल्यू निकालनी है हमको 8 की। सो यहाँ पे हमने देखा, वी लुक हियर, 8 इज 2 टाइम देयर, 8 इज 2 टाइम, सो फाइंड प्लस वैल्यू। सो वंस वाले जब 8 की बात कर रहे हैं तो इसकी प्लस वैल्यू कितनी आई बेटा? 8। टेंस की प्लस वैल्यू कितनी आई? 80। यस, तो इसकी कितनी आई? 80। सबको समझ में आया? वंस वाले की 8 की 8 आई प्लस वैल्यू, इस वाले की 80 आई। सो इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? 80 माइनस 8, व्हाट आंसर विल बिकम? 72। इजी और हार्ड? थोड़ा सा आया, थोड़ा सा नहीं आया। ओके, चलो कोई नहीं, वी टेक वन मोर क्वेश्चन। सी, आई एम टेकिंग हियर सी पार्ट। सो व्हाट इज द, फर्स्टली लिसन टू मी, जब भी हम बात करते हैं मैथ्स में, मैथ्स में क्या बोला? डिफरेंस बोला था ना फर्स्ट क्वेश्चन में आपको, क्या बोला? डिफरेंस। तो इंग्लिश में तो आपने पढ़ा डिफरेंस करना, अलग अलग करना, ठीक है। बट मैथ्स के अंदर जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मैथ्स के अंदर जब भी आपसे पूछे फाइंड द डिफरेंस, तो आपको क्या करना है? माइनस, ठीक है। मैथ्स के अंदर जब भी आपसे पूछे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि उस चीज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आया समझ में? डिफरेंस पूछे तो क्या करना है? माइनस करना है, और प्रोडक्ट पूछे तो मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। ये क्लियर है सभी को मेरा? यस, वेरी गुड। एंड ये चीज सबको आया? सो वी टैक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सो क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द प्लस वैल्यू ऑफ 3। आपको एक नंबर गिवन है 7830, ठीक है। इसमें प्लस वैल्यू किसकी निकालनी है? पहले 3 की, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ प्लस वैल्यू ऑफ 3 इन एंड इट्स प्लस वैल्यू। सो प्लस वैल्यू 3 की एंड प्लस वैल्यू 6 की। सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा? फर्स्ट वैल्यू ऑफ 3 कितना आ जाएगा? 3। यस, सो प्लस वैल्यू क्या होगी इसमें 3 की? प्लस वैल्यू ऑफ 3 कितना आ जाएगा? यस, टेल मी, यू नो ना हाउ वी फाइंड प्लस वैल्यू? 3, 3 के आगे 1 नंबर है तो 30, ठीक है। सो इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मैंने अभी अभी बताया कि क्या होता है प्रोडक्ट, कैसे क्या होता है प्रोडक्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोडक्ट? यस, मल्टीप्लीकेशन। सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो व्हाट विल कम? 90। हाउ? 3, यू फॉरगेट मल्टीप्लाई? नो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0, 3 3 जा 9। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर?
सो पार्ट ए एंड पार्ट बी इज क्लियर. सो नाउ कम ऑन पार्ट सी. सो व्हाट इज द पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन? द क्वेश्चन व्हेन द प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स इन, ये आपको एक डिजिट दिया हुआ है, क्या है? 5986. ठीक है, जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसकी प्लस वैल्यू से डिवाइड करते, इसकी प्लस वैल्यू क्या होगी? 6 की प्लस वैल्यू सबसे पहले. सो राइट ऑफ प्लस वैल्यू ऑफ 6. ओके, सो क्या है प्लस वैल्यू ऑफ 6? क्लियर. सो अब क्या देखा हमें, इस नंबर को इसकी प्लस वैल्यू से डिवाइड करना है. ठीक है, क्या बोला ये हम जब क्या बोला ये जब इसकी 6 की प्लस वैल्यू निकाली डिवाइडेड बाय इट्स फेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू ऑफ 6, फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगी बेटा? खुद की, हमेशा फेस वैल्यू क्या होती है? खुद ही होता है ना वो. सो 6. अब हम व्हेन वी डिवाइड 6 बाय 6 तो कितना आ जाएगा? 6 को 6 से डिवाइड करना है, यानी कि प्लस वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. तो कितना आ जाएगा? 6 बन जा 6, तो आंसर इज 1. सो व्हाट आंसर विल कम? 1. ओके, नाउ वी टेक डी पार्ट. डी पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लस वैल्यू ऑफ 5. इस वाले में आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट यानी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. अब देखते किस किस का मल्टीप्लाई करना है. सो पहले फेस वैल्यू निकालो इन नंबर इन. ठीक है, इसमें किसकी निकालनी है? 5 की प्लस वैल्यू ऑफ 5 कितनी आ जाएगी? प्लस वैल्यू ऑफ 5 1085 के आ गई, तो कितनी आ गई? 50. यस, वेरी गुड. एंड द फेस वैल्यू, अब एक और नंबर गिवन है आपको इन 9718. इसमें किसकी फेस वैल्यू? फेस वैल्यू ऑफ 9. क्या होती है फेस वैल्यू ऑफ 9? सो इन दोनों को क्या करना है हमें बेटा? मल्टीप्लाई. सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 9. सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 0095 45. क्लियर, वेरी गुड. सो 450 इज अवर आंसर. यस, वेरी गुड. सो द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 4 times 9. सो व्हाट वी रीड? 9999. तो इसका जस्ट बाद में क्या आता है? 10,000. कैसे पता करा? इसमें 1 ऐड कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा? 10,000. सो योर क्वेश्चन डी इज कंप्लीट. बट रिमेंबर डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन. ओके, यस, वेरी गुड. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6. कैन यू सी माय कर्सर? ये रहा. राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट. आपको क्या बनाना है बेटा? स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने. ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने. आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजिट्स गिवन है. तो फर्स्ट आपको क्या गिवन है? 5, 3, 2, 6. तो सबसे स्मॉल बनाओ. सबसे स्मॉल कौन सा है इसमें? 2. तो फर्स्टली वी राइट 2. आफ्टर दैट 3. सो वी राइट 3. 3 आफ्टर 5. आफ्टर 5 6. तो 2 सबसे स्मॉल था, फिर 3 उससे बिगर था, 5 उससे बिगर था, फिर 6 उससे बिगर था. सो अब ग्रेटेस्ट कैसे कराएंगे? इस नंबर को अपोजिट रिवर्स राइट करो. 6 के बाद 5, 3, 2. सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना? 2356. ये क्या बना? 6532. ओके, सो इट इज द वन पार्ट. आई एम टेकिंग हियर बी पार्ट. सो क्या क्या है? 7015. सो सबसे स्मॉल क्या है? 0 है, पर हमें 0 स्टार्टिंग में नहीं लिखना है कभी भी.
जब भी हम स्मॉल नंबर बना रहे हैं जीरो को हमें स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, वन। सो वन के बाद हम जीरो लिखेंगे, फिर फाइव, फिर सेवन, और फिर सेवन, फिर उससे स्मॉल फाइव, फिर उससे स्मॉल वन, फिर लास्ट में जीरो। क्लियर बेटा? सो नाउ वी डू पार्ट एफ। आई एम टैगिंग हियर एफ पार्ट। सो व्हाट इज द एफ पार्ट? 0409। सो व्हाट आई एम सेइंग यू, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो फर्स्ट में जीरो नहीं लेते हैं, बोला ना। सो फोर फिर ले लो, 02 times, सो 09। ओके, अब बिगर नंबर बनाएंगे तो बिगर नंबर बनाते हैं तो जीरो लास्ट में लेते हैं, ठीक है। सो ये मेरा एफ पार्ट इज कंप्लीट। आई एम टेकिंग हियर वन मोर पार्ट डी, 8409। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट? 4। सो 4, आफ्टर दैट 0 8 9। ओके, एंड बिगेस्ट नंबर 9840। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट, पार्ट सी एंड ई इज योर होमवर्क। सो स्टूडेंट डू योर कंप्लीट वर्क। थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा, बाय, टेक केयर।